आपको नर्सेस डे पे बहुत बहुत शुभकामना। मैंने कोविड में पिछले साल भी ड्यूटी की थी, इस साल भी मैं अपनी सेवाएं दे रही हूँ। कोविड मतलब बहुत ही मुश्किल दौर है इस समय का, बड़ा ही मुश्किल होता है एक नर्स को या एक सिस्टर को अपने घर और अपने नौकरी दोनों को चलाना। घर में थोड़ा परिवार से अलग अलग रहना पड़ता है, जिससे हमारे बच्चे बहुत, हमको भी बहुत दुख होता है और हमारे बच्चे हमारे पास नहीं आते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं। पिछले साल का मैं एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ आपको कि जब मैं हॉस्पिटल से ड्यूटी करके 14 या 15 दिन में अपने घर गई थी, तब मेरी बेटी जो कि 7 या 8 साल की है, वो मेरे बगैर नहीं रहती है, ना मेरे बगैर खाना खाती है। वो मेरे पास आने के लिए, मेरे से बात करने के लिए इतनी रोई है कि उसको चक्कर चक्कर तक आ गया है, मतलब आप समझ सकते हैं इस चीज को, जो एक माँ होगी वो समझ सकती है। अपने आप का भी ध्यान रखना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, लेकिन मेरे परिवार ने इस परिस्थिति में या इस मौके पर मतलब बहुत ही मेरा साथ दिया है, हमेशा मुझे हिम्मत दी है कि आप करो ये ड्यूटी, आप करो, आपकी जरूरत है। तो इसलिए पिछली बार भी मैं नहीं रुकी या बिल्कुल भी नहीं डरी। और जब हम हमारी ड्रेस पहनते हैं या पीपी किट पहनते हैं तो हमें अपने आप ही एक हौसला जैसा महसूस होता है, एक हिम्मत आ जाती है, एक जोश आ जाता है कि हमको कुछ करना है। और मुझे मतलब बहुत ही प्राउड या बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैं आज एक नर्स हूँ जो कि किसी की जान बचाने के लिए उनकी सेवा कर सकती हूँ या उनकी जान बचा सकती हूँ। ये मतलब बहुत ही हिम्मत की बात है और बहुत ही गर्व की बात है। सभी तरह के पेशेंट आते हैं हमारे पास आईसीयू में, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन पेशेंट आते हैं, उनको बाईपैप लगाना, बाईपैप निकाल के उनको पानी पिलाना, उनको खाना खिलाना, उनका पूरी तरह से ध्यान रखना, मतलब पूरा एक्सपोज होते हैं हम सामने से, बट ये हमको करना है। मैंने अपने प्रोफेशन को इसलिए चुना था ताकि मैं किसी की सेवा कर सकूं, और अपने मरीजों की या अपने रिश्तेदारों की या अपने साथियों की हेल्प कर सकूं किसी भी तरह से। मेरा नाम लिनी है, मैं पिछले 2 वर्ष से शाल्बी हॉस्पिटल इंदौर में एज ए नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट कार्य कर रही हूँ। आज इंटरनेशनल नर्सेस डे पर सभी नर्सेस को शुभकामना देती हूँ और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करती हूँ, ताकि हम सब मिलकर इस कोरोना के कठिन समय में मरीजों का अच्छे से ध्यान रख सके। एक बार फिर आई सैल्यूट द पावर ऑफ नर्सेस। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड ए वेरी हैप्पी नर्सेस डे टू द एंटायर कम्युनिटी ऑफ नर्सिंग इन द वर्ल्ड। मायसेल्फ सुनी एस नायर, एमएससी नर्स, करेंटली वर्किंग एज ए नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट इन अरहिंद हॉस्पिटल इंदौर एमडी।
I am working in a hospital which the patients are included COVID and non-COVID. You all know that we all are going through a very crucial time. Since last years, we all are aware about the terms COVID-19, Corona, hand washing, disinfectant, social distancing, etc., etc. As a nurse, it was not a new term, word to me, but the severity of the disease is understood by now only. As a leader, I faced a lot problem in the past years, and now also. It's like to arrange the bed, needed to arrange the needed gadget to the patients, and staff arrangements also. Providing and ensuring a best quality care to the patient. Of course, I am a mother too, so I have to look after my family also. It is very hard to us people to separate the both things, work and family. But I am glad and I am proud to be a nurse and thankful to God to give me the opportunity to support the needed people. And of course, I am a leader, so I have to give moral support to my nurses also. In these days, nurses are having so much of stress they are going through. It's both on physical and mental. It's due to the increase of patients, it is due to the mortality rate of the patients and disability of the patients also. And of course, the all credit goes to the nurses. Not only the nurses, all the medical professionals. So, I would like to say the only one word we can give the community, support all, means it includes support the family, support the community, support the all the patients, support all the medical professionals, includes nurses, doctors and all other paramedical staffs. This word can help a magic. This can make a magic to the world. And of course, I am praying to God and hoping for the best that we all will overcome this period and we will all be happy, safe and healthy. Thank you.